आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जीजीआईसी कोट द्वार में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा आर्य कन्या इंटर कॉलेज से आरंभ होकर अमर शहीदों के जयकारे लगाती हुई नगर निगम सभागार पहुंची, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधिवत दीप प्रज्वलित कर इस यात्रा को रवाना किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों को मेरी माटी मेरा देश अभियान को बताते हुए कहा कि मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, मेरी माटी मेरा देश अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों पर शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य उन साहसी शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बहादुर महिलाओं को सम्मान और श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेवा की है। इस दौरान प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी विष्णी देवी शाह को याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं और समस्त उपस्थित जन लोगों को देश हित में कार्य करने की शपथ दिलवाई। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आदरणीय मोदी जी का, शिक्षा मंत्री जी का भगवान आभार व्यक्त करती हूँ कि कोटद्वार में उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम अपने स्कूलों के माध्यम से इतना भव्य कार्यक्रम करवाया, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर है और उनके साथ हम लोगों ने आज अपने शहीदों को नमन किया, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च छावर किया, उनको हमने आज नमन किया। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ शिक्षा मंत्री।